देव प्रेजेंटेशन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब गरुड़ पुराण भाग 6। भगवान नारायण कहते हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़, यमदूत उसे ब्रह्मा पद नगर में ले जाते हैं और जब वह वहाँ पहुँचता है तो अपने पुत्रों के द्वारा दिया गया सातवें महीना का श्राद्ध का अन्न खाकर संतोष प्राप्त करता है। इसके आगे भगवान नारायण कहते हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़, ब्रह्मा पद नगर को पार करके जीव दुखदपुर नगर में पहुंचता है और वहां आकाश मार्ग से चलता हुआ अनेक तरह के दुखों को भोगता है। यहां उसे आठवें महीने के श्राद्ध में दिया हुआ अन्न जल भोजन प्राप्त करता है और फिर आगे चल देता है। नौवां महीना पूरा होते ही वह नाना करंदपुर जाता है। वहाँ पर नाना करंद गणों को देखकर दुख से बहुत चिल्लाता है और पछतावा करता है। यहाँ पर यमदूत उसे फिर से बहुत धमकाते हैं और दंड देते हैं। इसके बाद वह दसवें महीने में सुप्त भवन जाता है। वहाँ पहुँचकर दसवें महीने के पिंडदान को खाता है लेकिन असंतुष्ट रहता है। इसके बाद रौंद्र नगर में वह 11 महीना में पहुंचता है। यहाँ पर फिर से श्राद्ध का अन्न खाता है। इस तरह श्राद्ध के अन्न जल को खा पीकर वह 15 दिन के बाद पर्योवर्षन नगर में जाता है। यह नगर बड़ा विचित्र है। यहाँ पर जीव के प्रेत को दुख देने वाले बादल बरसते रहते हैं जो उसे चैन नहीं लेने देते। इसके बाद इसी स्थान पे थोड़े समय में दिए गए श्राद्ध के अन्न को अत्यंत कष्टपूर्वक खाता है। जब वर्ष पूरा हो जाता है तो जीव का प्रेत सीताग नगर में पहुंचता है। यह स्थान ऐसा है जहां हिमालय पर्वत से भी अधिक ठंडा वातावरण रहता है। यहां पर आकार जीव न केवल भूख से पीड़ित होता है बल्कि उसे ठंडा भी सताने लगती है। इस तरह यहाँ फिर वह ठंड और भूख से पीड़ित होकर चारों दिशाओं में देखता हुआ अपने किसी भाई बंधु को छूने की कोशिश करता है और यह सोचता है कि यदि कोई अपना भाई हो तो वह हमारी सहायता करेगा, इस दुख को मिटाएगा। यह सोचने पर यमदूत उसे चेतावनी देते हैं और कहते हैं, क्या तूने ऐसे पुण्य किए हैं जो यहाँ आने पर कोई तेरी मदद करे? तू किस पुण्य के बल पर अपने दुखों को कम करना चाहता है? तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे तेरे पाप नष्ट हो सकते हैं? जब जीव को यमदूत ऐसा कहते हैं तो वह बहुत पीड़ित होता है और साल के अंत में दिए गए श्राद्ध के पिंडदान को खाकर वह थोड़ा आराम करता है। एक साल बीत जाने पर वह यमलोक के पास ही बहुभीतिपुर में जाता है और फिर जो छोटा सा शरीर उसे मिला होता है उसे त्याग करता है। मनुष्य जीव अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए ही अंगूठे के समान दुख से भरे हुए शरीर को पाकर यमदूत के साथ जाता है। जिन जीवों ने मृत्यु के समय कोई भी दान नहीं किया और उसके न करने से धर्म का इकट्ठा नहीं किया, वे यमदूतों के द्वारा बांधे गए मजबूत बंधनों में पड़कर बहुत कष्ट उठाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी, यह सारा वर्णन धर्मराज के नगर के चारों द्वार में से एक दक्षिण मार्ग का यह वर्णन है। मैंने तुम्हें बताया कि दक्षिण मार्ग से किस तरह से मनुष्य जीव जाता है और किस तरह से उसे यातना मिलती है, किस रूप में भूखा प्यासा जाता है, किन किन रूप में कष्ट सहता है। दोस्तों, अब अगला भाग 7 में सुनाएंगे।